गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको लेट का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। लेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह तो होता है अनुमति देना, लेकिन इसको अलग अलग कई वाक्यों में, वेराइटीज में, अलग अलग तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि लेट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, चालू करते हैं। लेट का जो मीनिंग है वो तो है अनुमति देना, परमिशन देना। तो देखते हैं इसका हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पहला मैंने लिखा है, वह तुम्हें अपनी किताब पढ़ने नहीं देगी। तो इसको बनाने के लिए हमने लिखा है, शी विल नॉट लेट यू रीड हर बुक। शी विल नॉट लेट यू रीड हर बुक। तो लेट के बाद जब अगला वर्ब आएगा तो हमें उसके पहले टू का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लेट के बाद जब अगला वर्ब आता है तो हम लोग टू नहीं लगाते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि शी विल नॉट अलाउ यू टू रीड हर बुक। अलाउ का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग को वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा। आप लोग अलाउ नहीं लिख रहे हैं तो आप परमिट भी कह सकते हैं, शी विल नॉट परमिट यू टू रीड हर बुक। बस आपको ये ध्यान देना है कि लेट लगाते समय अगले वाले वर्ब में आपको टू नहीं लगाना है, अलाउ और परमिट में लगाना है। ये इसका हो गया पहला प्रकार, जिसका मतलब हो रहा था अनुमति देना या आज्ञा देना। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, वो मुझे खेलने नहीं देती है, वगैरह वगैरह। अब इसका सेकंड प्रकार है, जाने दो, पढ़ने दो, खेलने दो। इस प्रकार के हम लोग वाक्य बनाते हैं, पढ़ने दो, पढ़ाने दो, वगैरह वगैरह। तो उसको बनाने के लिए दोस्तों फार्मूला है लेट ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे पढ़ने दो तो लेट मी रीड। हमें कहना है कि उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। बच्चे को रोने दो, लेट अ चाइल्ड क्राई। बच्चों को खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले। मतलब जब हम लोग ऐसी कोई बात करते हैं तो हमको उसमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये इसका सेकंड वेराइटी था। थर्ड वेराइटी में हम लोग अधिकतर बात करते हैं चलो आओ। जैसे हम लोग कहते हैं चलो खेलें, आओ खेलें, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो हम लोग उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लेट्स या लेटस। वैसे लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, हमको लेट्स का ही इस्तेमाल करना है। लेटस कहना ऑड लगता है स्पीकिंग में, लेट्स ही बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे लिखा है कि चलो एक फिल्म देखें, इसका बनेगा लेट्स वॉच अ मूवी। चलो क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो अंग्रेजी में वार्तालाप करें, लेट्स कन्वर्स इन इंग्लिश। तो इस प्रकार के हमको बहुत सारे वाक्य बनाना है। इसका चौथा वेराइटी है दोस्तों, कुछ हो या ना हो ऐसी उम्मीद करना, कुछ हो या ना हो ऐसी आशा करना। जैसे यहां पर इसके लिए हमको लेट देयर भी लिखना ही होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है हमारे शहर में शांति हो, तो लेट देयर बी पीस इन सिटी, इन आर सिटी। क्या हो शांति, हमें कहना है कि परिवार में भाईचारा हो, तो हम लोग बोलेंगे लेट देयर बी ब्रदरहुड इन फैमिली। हमें कहना है कि हमारे शहर में दंगा ना हो, तो हम बोलेंगे लेट देयर बी नो रायट इन आर सिटी। हमारे शहर में प्रदूषण ना हो, तो लेट देयर बी नो पॉल्यूशन इन आर सिटी। तो नहीं आएगा तो नो लगा देंगे, और किसी बात की हम लोग उम्मीद करेंगे तो लेट देयर बी तो आना ही आना है, और नहीं तो लेट देयर बी नो, ऐसा करके लगाएंगे। ये हो गया हमारा चौथा वेरायटी। पांचवे वेरायटी में हम लोग अधिकतर मानो की का इस्तेमाल करते हैं, मानो की ये ऐसा है, मानो की ये वो है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा हुआ है मानो की ये त्रिभुज है, तो इसको लिखेंगे लेट इट बी अ ट्राइंगल। हमें कहना है कि मानो की यह बच्चा है, लेट इट बी अ चाइल्ड। मानो की यह पेन एक सांप है, लेट द पेन अ स्नेक। मानो की रस्सी सांप है, लेट अ रोप बी स्नेक। तो इस प्रकार के हम लोग वाक्य बनाएंगे मानो की वाले वाक्य में। अब दोस्तों लास्ट में आ जाते हैं, पेशी वाइज का एग्जाम्पल है। जब हमारे सेंटेंस में ऐसा है, खाया जाए, पिया जाए, पीटा जाए, समझा जाए, इस्तेमाल किया जाए, तब हम लोग कैसे यूज करेंगे। इसका फार्मूला रहेगा लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहां सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेट लिखेंगे, लेट इंग्लिश बी यूज, मतलब लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे हमें कहना है शुद्ध पानी पिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे लेट प्योर वाटर बी ड्रंक। हमें कहना है दूषित पानी ना पिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे लेट कंटामिनेटेड वाटर नॉट बी ड्रंक। कक्षा में अंग्रेजी बोली जाए तो लेट इंग्लिश बी स्पोकन इन द क्लास। कक्षा में हिंदी ना बोली जाए, लेट हिंदी नॉट बी स्पोकन इन द क्लास। दोस्तों इस प्रकार के हमको वाक्य बनाना है। तो लेट का जो शाब्दिक अर्थ था वो तो था अनुमति देना, लेकिन उसके 5-6 वेराइटी हमने अलग अलग देखा। सभी को ध्यान देना है,
उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और उसके वाक्य बनाने की कोशिश करना है। तो आपको शब्दों को बदलते बदल के वाक्य बनाना है, क्योंकि इसमें टेंसेस तो होते नहीं है। बस दैट्स ऑल दोस्तों, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, लाउडली प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ और एक नए प्रयोग के साथ।